हेलो एवरी बहन, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी दिवाली मंगलमय हो। और मैं यहाँ पर, शाम का टाइम है, पूजा का भी टाइम हो चुका है, तो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो आज दिखाती हूँ मेरे ससुराल में कैसे दिवाली मनाई जाती है। दिवाली तो लगभग सबके यहाँ एक ही जैसी बनती है, बट पूजा का थोड़ा रहता है, किसी के यहाँ कैसे पूजा होती है और किसी के यहाँ कैसे। जैसे कि मेरे मायके में अलग तरीके से पूजा होती है, यहाँ अलग होती है, तो अपना अपना नियम होता है कहाँ कैसे पूजा होती है। तो आज दिखाऊंगी कि यहाँ पूजा कैसे होती है और यहाँ मैं कैसे दिवाली एंजॉय करती हूँ। और दिवाली में साल में एक बार त्यौहार आता है, तो मस्ती करना तो बनता ही है। तो चलो आज मैं पटाखे भी चलाऊंगी। पटाखे क्या, हर बार दिवाली में चलाती हूँ, तो पटाखे भी चलाऊंगी और खूब मस्ती भी करती हूँ। चलो फिर दिखाती हूँ। और मैंने ये साड़ी डाली हुई है भी साड़ी नहीं है, ज़्यादा सिंपल सी है, बहुत कंफर्टेबल है, दिख रही होगी आपको शीशे में, तो कोई ज़्यादा हैवी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी भी लग रही है। तो चलो फिर चलती हूँ। और अभी जो मैंने करवा चौथ में सामान चढ़ाया था, वो अभी तक मम्मी को नहीं दिया है, तो आज देती हूँ मम्मी को, देखती हूँ मम्मी का रिएक्शन कैसा रहता है, मम्मी को साड़ी कैसी लगती है। वैसे जो भी चीज़ मैं मम्मी को ला के देती हूँ, मम्मी को हर चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ मम्मी ये नहीं बोलती कि मुझे नहीं अच्छी लग रही है, तो मम्मी को सब कुछ अच्छा लगता है। तो देखती हूँ, मम्मी को सामान भी दूँगी और दिखाऊँगी कि मम्मी का रिएक्शन क्या रहता है। तो चलो फिर अभी करते हैं फिलहाल पूजा सबके साथ मिलकर, फिर पटाखे चलाऊँगी। चलिए, यहाँ पर हो रही है दिवाली की पूजा, तो पूजा शुरू हो चुकी है, सब लोग साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं। और मेरे यहाँ मतलब सभी के यहाँ सब लोग जेंट्स ही लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं आरती। आरती करने के बाद फिर दियाली जलाएंगे और इसके बाद जो कैंडल लगाई हुई है वो भी बाद में पूजा करने के बाद जलाएंगे। और यहाँ पूजा फाइनली आरती भी हो चुकी है और ये जो मटका है इसको अंदर रखा जाता है, तो वही मैं रखने जा रही हूँ अंदर। यहाँ पर मैं सब जगह दियाली रख रही हूँ, मतलब सब जगह रखी जाती है, कहीं ऐसा नहीं होता कि अंधेरा होना चाहिए, तो जहाँ भी जगह है सब जगह अंदर दियाली रख दूँगी और बाहर ऊपर सब जगह कैंडल लगाई हुई है और अंदर सारी दियाली रखी जाएंगी। पूजा हो चुकी है और अभी छत पे आए थे कैंडल जलाने के लिए, पूरे घर में भी कैंडल लगा दी है और छत पे भी जला दी है सारी, अभी ये लोग बाहर जला रहे हैं। यहाँ मैंने ये देखिए सारी कैंडल जला दी है और लाइट चली गई है, लाइट नहीं है, तो इन्वर्टर का ऊपर कनेक्शन है नहीं, इन्वर्टर का नीचे है, तो अभी लाइट नहीं आ रही और पटाखे चल रहे हैं। देखो कितनी आवाज़ आ रही है, शायद मेरी आवाज़ क्लियर आ भी नहीं रही होगी, तो ये देखो। और बाहर चल के मैं दिखाती हूँ और अंदर का दिखाती हूँ, बाहर भी दिखाती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, घर में पूजा हुई, बहुत मज़ा आ गया है। तो चलो फिर दिखाती हूँ नीचे, ये जीने में भी लगा दी है ऐसे और ऊपर सारी जल रही है, पूरे घर में लग गई है, पूजा हो गई है, दीपक भी जल गए हैं और कैंडल एंडल सब कुछ जल गई, इन लोगों ने बाहर जला दी, मेरे अंदर आज चलती हूँ पटाखे जलाने के लिए, अब उसका नंबर है, तो चलती हूँ बाहर, देखती हूँ क्या है, कौन से पटाखे मिलते हैं, सब जगह पटाखे टूट रहे हैं, भयंकर आवाज़ आ रही है, तो चलो मैं भी बाहर चलती हूँ। और ये है हमारा घर जिसमें लाइटें पड़ चुकी हैं, अब की बार कम लाइटें पड़ी हुई हैं, तो इस टाइम लाइट नहीं आ रही थी, तो इसलिए और भी ज़्यादा लाइटें नहीं दिख रही हैं, अंधेरा है। और
कैंडल भी सारी जल रही हैं और झालर भी लगी हुई है, तो ये बाहर से कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर हम लोग पटाखे चला रहे हैं, पटाखे जलाने शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं भी गई हूँ पटाखे चलाने के लिए, तो मैं भी थोड़े से चलाऊंगी, ज़्यादा नहीं, और थोड़े से चलाऊंगी जाके। दिवाली में पटाखे ना चलाओ तो फिर मज़ा नहीं आता है। और यहाँ पर मैंने जो करवा चौथ का सामान था वो भी मम्मी को दे दिया है, और मम्मी को साड़ी सामान सब बहुत अच्छा लगा और मम्मी बहुत खुश हो गई हैं। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।